सबको यहाँ से। तुम सर, किसी ने इन नौकरों को लोहे की जंजीरों से बांध कर बंधक बना लिया था। इन लोगों को छुड़ा कर ले जा रहा था मैं सर। बहुत मदद करने चले हो, मददगार बन रहे हो क्या? पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगा। ए, इन लोगों को इधर लेकर के आओ। तुम लोगों को बंधक बना के रखा है क्या? हम झूठ बोलेंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा। देखो, इन लोगों ने झूठ बोला, अब सच बताएंगे। सुन लो, ये साहब तुम लोगों को यहाँ से बचा के ले जाने के लिए आए हैं। हमें जाने दो, छोड़ दो। देखा, सच और झूठ एक ही मुंह से बुलवा दिया मैंने। अगर कहूँ नाटक करो तो नाटक करेंगे, और बोलू तो मरेंगे भी। ये सब इन सब काम के मैं इनको पैसे देता हूँ। यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। एड्रेस के बगैर भी मैं आधार कार्ड बनवा के देता हूँ इनको। टाइम देखे बिना काम करना कोई गुनाह है क्या? मुझसे पैसे भी लेते हैं ये लोग, और भागने की भी कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने इनको जंजीरों में बांध के रखा है। ये भागे ना, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये करना कोई गुनाह थोड़ा ही है। तू कलेक्टर ऑफिस जा, पुलिस में कंप्लेंट कर, कोर्ट में जा, तू जहां जाना चाहता जा, लेकिन मुझे कोई हिला नहीं सकता। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इधर आओ जरा। ये सच है कि मैंने इसे मारा। इंसान के साथ अच्छा व्यवहार न करके उसे कष्ट देना, इसमें तुम्हारे मालिक को खुशी मिलती होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ये बताने के लिए बहुत जल्द ही तुम्हारा वक्त भी आने वाला है। समझ गया ना? और ये बात सच है। उठ बे। ये कौन है? डायरेक्टर है, शूटिंग के लिए आया है। अरे जा जल्दी से बुला के ला। ये फिल्म वाले इतिहास बदलते हैं, ये भी बदलेगा। इस जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं? जंजीरों में बांधकर इंसानों से गुलामी करवाया जा रहा है? यही खास शॉट करना था क्या? ये लो, गर्मा गर्म चाय सबके लिए, मैंने खुद बनाई। अपने हाथों से खाने पीने के लिए सिर्फ जी रहे हैं क्या? जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तब वहाँ मारपीट शुरू हो गई थी, इसलिए चिप को मैंने मुंह में दबाकर छिपा लिया। इसीलिए तुम लोग अभी ये फिल्म देख पा रहे हो। अरे रे रे, क्या हुआ? वो जो पेड़ पर कैमरा लगाया था वो लिया क्या? अरे कोई तो जाके लेके आओ उसे। वहाँ गए तो वो हमें मार देंगे। अगर वहाँ जाएंगे तो वो लोग गोली मार देंगे। वो लोग हमें ही ढूंढ रहे होंगे। वहाँ गए ना तो हमारी तंदूरी बनाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो। उस कैमरा को कैसे लाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ।
अरे शोर मत करो, ला रहा हूँ ना। अरे को इसको रोको। बंद कर दो इसे। ओह माय गॉड। मैं फिल्मों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों को देखकर मैं भी एक्टर बनना चाहता था। अब मैं फिल्म की सहायता से कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हूँ। इस फिल्म की मदद से मैं राज्य के लड़कों को सुधारना चाहता था। हमारे पास स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा ताड़ के पेड़ से बांध दिया। अब जब ये सच दुनिया के सामने आएगा तो मुझे पूरा यकीन है ये फिल्म हिट साबित होगी। चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पेड़ में बंधे कैमरे में खतरनाक सीन शूट हुआ था क्या? हाँ सर। हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक होगा। हाँ सर। उस वक्त तुमने क्या क्या देखा ये जरा साफ साफ बताओ। वो डायरेक्टर ने किसी को बताने से मना किया हाँ, था सर। उस फिल्म में नहीं सर, सच में। आज जो हुआ वो सच सच बताओ वरना गला दबाकर मार डालूंगा, समझी? गुड मॉर्निंग सर। सर वो डायरेक्टर एक मछली वाली की दोस्त है। उस पेड़ में जो कैमरा बंधा है उसमें जो फुटेज है उसके बारे में ये लड़की कुछ नहीं बता रही है सर। हुकुम सर। ठीक है सर। ओके सर। सर अभी मीटिंग में है। एक्सक्यूज मी। मैं अपनी गाड़ी से 240 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ और तुम्हारी पुलिस डिपार्टमेंट 80 किलोमीटर की स्पीड से काम कर रही है। तुम्हें पता भी है मैंने उस फिल्म डायरेक्टर को ढूंढ निकाला है। ये तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? अगर उस फिल्म को इंटरनेट पर रिलीज कर दिया तो सारी दुनिया सब जान जाएगी और सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक झटके में फिल्म रिलीज हो जाएगी और अगर वो फिल्म रिलीज हो गई तो मैं तुम्हारे सारे नट बोल्ट ढीले कर दूंगा। तुमने उसे उठाया ही क्यों? अरे वो उस फिल्म के लिए बहुत लड़ रहा है। अगर वो फिल्म मेरे हाथ में नहीं आई ना तो इसे मारकर बीच सड़क पर फेंक दूंगा। तो फिर तुम्हारे एमपी के सपने का क्या होगा? नो, अगर मुझे एमपी बनना होगा तो मैं उसे उठाकर मैं बाहर फेंकवा दूंगा। और ये उससे भी ज्यादा बुरा होगा। देखो अगर तुमने इसे बाहर फेंकवाया तो ये सबको बताकर वो तुम्हें ही बाहर फेंकवा देगा। ओ आई जी, मुझे क्या करना है वो बताओ जल्दी से। एक काम करो, तुम उसे खत्म कर दो। पक्का कर दूं? हाँ बिल्कुल, खत्म कर दो उसको।
अरे बड़े साहब ने दवा डालने को कहा था, आ जा सब लोग। चलो हट जाओ, दवा डालना है। कौन है? हट जाओ सब लोग, दूर हटो। कौन है ये? दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, सब लोग हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, सब लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोग चेक पोस्ट से भागने की कोशिश कर रहे थे, अर्जेंट काम था। कानून को ताक पर रख दिया, ऐसी क्या जरूरी बात थी? इन दोनों को लॉकअप में डालो और उस खतरनाक हथियार को मेरे सामने लाओ, मैं भी देखूं। सर, हम छोटे लोग हैं, हमें माफ कर दीजिए। हेलो, क्या कहा? कलर लैब में आग लगा दी? किसने? कल आधी रात को तुमने उसे देखा? कार नंबर क्या है? हाईवे 224224। रुके रुके, हम दोनों ने बड़ी मेहनत से उसका पीछा किया और उन दोनों को पकड़ लिया है, वो हमारे पास ही है। साहब उनसे पूछताछ कर रहे हैं, अब हम दोनों का प्रमोशन हो जाएगा ना। पूछे साहब, पूछे पूछे पूछे। क्यों बे, आग तुम दोनों ने लगाई थी ना फिल्म के लिए? अधराई फिल्म का केस तो हमारे पास है। क्यों बे, वो तो डिजिटल फिल्म है, लेकिन तुम लोगों ने कलर लैब को आग क्यों लगाया? उसी फिल्म के लिए। अरे ये भी नहीं जानते कैसे कैसे लोग है देश में? अबे कलर लैब को आग लगाने के लिए किसने कहा था? अरे साहब सुनिए, एक सेपी साहब। अरे बात हो रही है, सुनिए। ये बता तुम लोगों ने और क्या क्या किया है? Come on, tell me। हमारे हमारे चैम्बर में ताड़ के पेड़ पर एक कैमरा लगाया गया था। लगाया था बे, ताड़ के पेड़ पर। सुनो श्रीकांत, वो फिल्म किसी भी हाल में रिलीज नहीं होनी चाहिए। उस फिल्म के सभी लोगों को खत्म कर दो और हीरो को यहाँ लेकर जाओ। नेक्स्ट। एडिटिंग रूम में गुंडे भेजे थे। सर कौन है तू? देखिए सर, मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। बेटे की दुकान नहीं है। सर वो बात नहीं सर, सर मेरी पगार चाहिए। मेरी पगार इधर आ। हाँ दीजिए सर, आप ही दे दीजिए पगार मेरी। हाँ दे दिया। अरे क्या कर रहे हो सर? अरे मेरी पगार, अरे नहीं पगार नहीं चाहिए पगार। अरे क्यों मार, अरे मत मारो, अरे क्या मारोगे? सबके ऊपर डालो। आधा घंटे में तुम्हारा डायरेक्टर नहीं आया तो सबको जिंदा जला डालूंगा। लोकल ट्रेन में नहीं आ सकते, ट्रैफिक में आने में थोड़ी देर लग जाएगी सर। उसके आने तक टाइम का थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर। उसके आने में कम से कम एक घंटा तो लग ही जाएगा ना। तुम सबको मार डालूंगा। मैंने सब कुछ देखा है लेकिन मौत नहीं देखी है यार। आग लगा दो, आग लगा दो ना। नेक्स्ट। डायरेक्टर को मारने के लिए गुंडे भेजे थे साहब। मारो, जोर से मारो, मारो। कुछ फर्क नहीं पड़ा। अरे इसे कुछ हो नहीं रहा है, और मारो। क्या बात है, ये तो उठ ही नहीं रहा। आए ये तो अपने सर हैं। सर, सर, मैं ये क्लास के लिए लेके जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आपको जो भी करना है करो, ये लीजिए। Thank you.
कमाल कर दिया सर।